किसान संगठन मानते कि विपक्ष मजबूत नहीं है, आपको धरने पे बैठे। अरे यू ऑप्शन ही ना, हमारे धोरे हमारे द्वारा ऑप्शन नहीं है। जब हम मोदी जी को लाए, हमने बीजेपी को वोट नहीं दी, हमने मोदी जी को वोट दी, ऑप्शन नहीं है। तभी तो कमजोर पड़ गए विपक्ष भी, तभी तो नहीं तो हम इन्हें लिया थे। हमारे प्रधानमंत्री जी कह के गए थे, चौधरी चरण सिंह जी ये बात कह के गए, जिस दिन देश में ये सरकार आ जाएगी आरएसएस और बीजेपी, उस दिन किसानों का गला काटेगी। पता हो आपको यह बात का? और वही बात हुई नहीं हुई? तो हमने बीजेपी को वोट नहीं दी, हमने मोदी जी को वोट दी। हमें ना पता ही है, अरे हमने बीजेपी में, हमने व्यक्ति को, मानवता को वोट दी, इंसान को वोट दी। दल कोई भी बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं दल में, ठीक। और यही उसमें दल में सही होते, अच्छे होते, किसानों के फेवर में होते, तो हमें कोई शिकायत थोड़ी। दल बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं दल में। तो फिर आप बीजेपी और आरएसएस को क्यों टारगेट करती हैं? मैंने तो आरएसएस की बात आज ही कही है, क्योंकि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह की बात को दोहराया, ठीक। और बीजेपी को मैंने टारगेट नहीं करा, मैंने करो टारगेट इन बिलो को। ये आप गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। अगर मैं बीजेपी को टारगेट करती तो मैं वोट नहीं देती, लेकिन वोट दे कर आ रही हूँ यहाँ। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, और भी जो औरन की बात, औरन के आ गया सिस्टम में लगा के पूछना। मैंने अपनी बात बता दी, अपनी राय दे दी, मुझे कोई अधिकार नहीं मैं किसी की राय दूं। आप छोटे-छोटे के नाम ले रहे हैं जी, उनके बेटे पोते को धरा दिया आप लोगों ने फिर अपनी। अरे चीटिंग भी बहुत हो गए भैया, क्या बार बता मैं, चीटिंग भी बहुत हो गए, बताओ तुम। गलती होती है जिस देश की ईवीएम है ना, शुरू में तो लहर ही लहर चल रही। जिस देश की ईवीएम है ना, यो जापान की, वहाँ वोट जापान में इससे नहीं गिरती है, भारत में लाए हो इसको। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ। अरे वे छोटे छोटे चुनाव हमारे प्रधान जीत जा भैया, तब भी हम अपनी जीत गए वो। अरे मैंने बताई नहीं प्रधान जीत जा हमारे छोटे छोटे चुनाव। आप ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पे ट्रॉली से किसान गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँच गया है। पीलीभीत, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, हर जगह से किसान यहाँ लाखों की संख्या में आ गया है और इस 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। कहाँ से आए सर? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से, गांव बसेगापुर। क्या करने आए सर? यही मोदी के काले कानून जो है इसको रद्द कराने के लिए आए। अच्छा, कानून रद्द करवाने के लिए आए। हाँ जी। चलिए, देख रहे हैं आप कि ये बुजुर्ग बाबा जी भी हैं, ट्रॉली के पीछे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉली से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इस कानून के खिलाफ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लोग ट्रैक्टर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे इस 26 जनवरी को आने वाली। जैसा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी है कि इस ट्रैक्टर रैली के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना है, तो पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? जी मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ जी, और बंडा मेरा क्षेत्र है। यहाँ अभी पीछे हमने 16 तारीख को पूनम जी की रैली निकाली थी किसानों की। जी जी, तो मतलब और आप ही वहाँ पे ऑर्गेनाइजर थे? जी। तो सर वहाँ से कितने लोग शाहजहाँपुर से, पीलीभीत से और बरेली से आ रहे हैं? मोर देन 20,000 तो है। 20,000 जी जी, तो अभी कल बहुत आ रहे हैं जी। कल हमारे क्षेत्र से बहुत लोग आ रहे हैं जी, गाड़ियों से आ रहे हैं जी, और परसों तक आते रहेंगे। कल परसों दोनों, दो दिन तक तो आते रहेंगे पीछे, क्योंकि इतने दिन पहले सोचते हैं कि वहाँ रुकना, थोड़ी व्यवस्था, थोड़ी अभी ज़्यादा लोग संख्या में आ रहे हैं, थोड़ी व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। सो इसलिए तो कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग परसों आएंगे। तो सर अगर सरकार आज भी बातचीत चल रही है, अगर ये कानून रद्द हो जाते हैं तो क्या ये ट्रैक्टर मार्च कैंसिल हो जाएगा? जी जी, अगर फिर भी कर देंगे तो क्या बड़ी बात है, हमारा हक है, हम भी इस देश के वासी हैं। बिल्कुल, पूरा पूरा। और आपको मैं बता दूं कि पहला जो गणतंत्र पे मार्च किया गया था वो ट्रैक्टरों ने ही किया। बिल्कुल सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सुप्रीम कोर्ट से ये और किसानों से ये विनती की है कि इस गणतंत्र के मौके पे कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे देश की और किसानों की बेइज्जती हो। नहीं देखिए, किसान तो नहीं चाहेगा कोई ऐसा भी, और किसान कहीं भी आज तक ऐसा घटना घटने नहीं देते जी। बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शांति भी इनके पास है, सभी कुछ। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, बाकी दूसरे लोगों को करवा दें तो हम कह नहीं पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल भारत से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। क्या नाम है आप? तेजवीर सिंह। कहाँ से आए सर? यूपी पुरमपुर पीलीभीत। कब पहुँचे यहाँ पर? हम जब का धरना यहाँ पे है उधर के इधर ही हैं।
एक महीना हो गया लगभग। आपने तीनों काले कानून पढ़े? नहीं। जिनको आप काले बोलते हैं? जो हम कानून, वो आपको कानून की बात छोड़िए, वो आपको बताऊंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपने पूछा कि ट्राली वगैरह जैसे आप जाने नहीं देंगे, तो जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो ट्राली पे गए थे ना सभी लोग, गए थे ना, तो अब क्यों ये लोग रोकेंगे हमको, लोगों को? अब अगर रोका, सुरक्षा व्यवस्था की वजह से रोक रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अगर रोका तो अगली बार मोदी तो ऐसे नहीं बनेगा, जो मोदी के चमचे हैं, जो भक्त हैं ना, वो ही खाली बनेगा, वो ही उनको वोट डालेंगे। हम लोग तो पंजाबी डालेंगे नहीं। अगर कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ तो उधम सिंह, भगत सिंह जैसे सभी हैं हमारे, तो हम कुछ उल्टा ही करेंगे फिर, क्योंकि हम आज गए हैं भैया परेशान, एक महीना हो गया है, बहुत परेशान हो गए। दो महीना हो गए? हाँ, नहीं मुझे तो एक महीना हुआ भैया, हो गए लेकिन 58 दिन हो गए। हाँ जो भी है, 26 तारीख से शुरू है धरना, और ये बात मोदी तक पहुंचा दीजिए। उसको रात को वो तो अपने महल में सो जाता है, पर अगर हमारे साथ कोई हादसा हुआ जाते समय, तो हम सीधा मोदी का गला पकड़ेंगे। जब आप यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अंदर नहीं जा सकते, हम जाएंगे हम, अरे हम अपने ट्रैक्टर से जाएंगे यार, हमारे पास जेसीबी है, अगर कोई आगे रोकेगा तो उठा देंगे। मतलब किसान अब बिल्कुल भगत सिंह बनने की तैयारी? हाँ, हम भगत सिंह बनने, हम अपने मरने के लिए तैयार हैं। ये सभी लोग मरने को तैयार हैं, भागने वाले, हम पंजाबी लोग भागने वाले नहीं है। आपको लगता है कि मरने से समस्या का समाधान? नॉलेज नहीं, गुरु तेग बहादुर को जानते हो आप? मैंने ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्हें शीश दिता सी, उनको शीश दिया हम लोग ने, पंजाबी लोगों ने, ऐसे किसी वो भी वजह तो नहीं थी ना, आपके लिए दिया है ना, तो इसीलिए दिल्ली है, नहीं तो दिल्ली नहीं होता, ये आपको पहले हम बता रहे हैं। और पंजाबी लोग, अगर हमारी गर्दन भी तुम काट दोगे ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे ख़त्म हो जाएंगे बंदे, कोई टेंशन नहीं, पर अगली बार मोदी नहीं बनने देंगे, सीधी बात। अगर पुलिस प्रशासन से टकराव की स्थिति बनती तो जैसा कि आप बोलते हैं कि ये जवान हमारे भाई बंधु, क्या उनसे मतलब हाथापाई? वो हमसे भाई नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं भाई मेरी बात, पहली बात तो ये है, पुलिस वाले खाना कहाँ से आता है? खेती से आता है ना, तो अगर हमारी ये तीनों कानून जो हो गए तो फिर खाना कहाँ से आएगा? आप कहाँ से खाओगे ये बताइए हमें। नहीं, आप हमारे हित में हैं या मोदी के हित में हैं बताइए? मैं देश के हित में हूँ और देश के साथ में हूँ। जो देश के लिए अच्छा है उसके साथ में। नहीं, देश के लिए कौन अच्छा है? चाहे किसान हो, चाहे सरकार हो, चाहे देश का एक अदना सा नागरिक। देश के लिए कौन अच्छा है आप बताइए ना, आप तो रिपोर्टर हैं। ना, रिपोर्टर नहीं बताएगा, ये जनता बताएगी। जनता बोलिए कौन है, जनता ये सभी से पूछ लीजिए कौन है अच्छा, कौन है भाई? मोदी अच्छा है? नहीं, पूछ लीजिए, सभी से पूछ लीजिए। और ये आपकी राय, बिल्कुल आप दे सकते हैं। हाँ, तो हम तो ट्रैक्टर लेके जाएंगे, जैसे आपको बताया जब हमारा देश आजाद हुआ ट्रैक्टर पे गया, हम तो शांतपूर्वक ट्रैक्टर लेके जाएंगे। ठीक है, अगर शांतपूर्वक नहीं हमको जाने दिया, हमारा कुछ हुआ, फिर सभी उधम सिंह और तैयार हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर थे, हम सभी बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं नहीं, हम गाड़ी में आए हैं और बॉर्डर पर पैदल मार्च करेंगे। आपका नाम क्या है? वर्षा देश पांडे। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र सतारा। सतारा से? तो 26 जनवरी को जिस तरह की सेंसिटिव मैटर है, सरकार ने बोला कि देश की बेइज्जती हो जाएगी अगर कोई अपनी की बेइज्जती क्यों होगी? जवान अगर बेइज्जती नहीं करता तो हम अच्छे से अनुशासन के साथ ट्रैक्टर चाली चलाएंगे, बहुत सुंदर झांकी होगी किसानी की और बहुत अच्छे से लोग एंजॉय करेंगे उसको। अगर जवान चला सकते हैं अनुशासन के साथ, किसान भी ट्रॉली पर अपना अनुशासन दिखाएंगे, कुछ गलत नहीं होगा, अच्छे से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। आपको बधाई, प्रजातंत्र की पहले से ही आपको बधाई। अखिल भारत न्यूज में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? इधर ले लो। सरकार ने तुरंत, ये जो किसान का कहना है, सरकार ने तुरंत कानून वापस लेने चाहिए, सही मायने में प्रजातंत्र का सेलिब्रेशन हो, 26 जनवरी से पहले सरकार को कानून वापस लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत। आप ये देख रहे हैं, महाराष्ट्र के सतारा जिले से बहुत सारे लोग यहाँ इस कृषि बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। इनका कहना है कि जब तक हम इस बिल को वापस नहीं करवाएंगे, जब तक दिल्ली से नहीं जाएंगे और इस गणतंत्र दिवस के अंदर भी ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बनेंगे,
सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है सरकार बार बार मजदूरों किसानों को बहका रही है, बरगला रही है, क्योंकि ये कानूनों को दो साल रोकने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनावों से को ठीक से करवाना, वहाँ पे सरकार बनाना, और इनका दूसरा कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए किसान यहाँ से बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।